हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों सभी को राम राम और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो दोस्तों हम आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा बहुत खास और विशेष रहने वाला है, क्योंकि आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा श्री राम भगवान जी पर रहेगा आज। क्योंकि दोस्तों हमारे पास एक क्लिप है दोस्तों, और श्री राम भगवान जी की कविता है, तो वो मुझे दोस्तों इतनी अच्छी लगी है कि मैं विवश हूँ कि अपने व्यूवर्स को भी उसे दिखाऊं दोस्तों। और हो सकता है वो क्लिप आपने पहले देखी हो, पर डोंट वरी दोस्तों, कोई बात नहीं, आप उसे एक बार फिर से देखें और मजे लें दोस्तों ब्लॉग्स के, क्योंकि हमारे आराध्य देव मतलब श्री राम भगवान जी है दोस्तों, उनकी क्लिप है वो। तो आप इससे जो भी देखें लाइक आप अवश्य करें और कमेंट्स भी एक प्यारा सा जरूर कर दें दोस्तों। और इसी के साथ एक दूसरी सी क्लिप है दोस्तों, छोटी सी, और वो हमारे सीमा ठाकुर जी ने बनाई है दोस्तों, कि अयोध्या में 22 जनवरी को फिर से दिवाली मनाई जाएगी पूरे भारत में, क्योंकि अयोध्या में जो है और पूरा स्थापना हो रही है हमारे श्री राम भगवान जी की। तो वो भी दोस्तों एक क्लिप है, वो भी मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको, तो वो थोड़ी पहले बनी है दोस्तों। तो दो क्लिप है दोस्तों, आप मजे लीजिए और श्री राम भगवान जी के लिए थोड़ा सा कमेंट भी करें और मस्ती से देखें। ओके फ्रेंड्स, ओके। नाम की कैसा नाम, ऐसा अद्भुत नाम पूरी दुनिया की किसी भी भाषा में कोई दूसरा शब्द नहीं, जो एक बार कहो राम तो संबोधन है, किसी का नाम हो सकता है। दो बार कहो राम राम तो अभिवादन है। तीन बार कैसी घटना पर निकल जाए राम 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 तो संवेदना है, और अगर बार बार उच्चारित होने लगे तो संकीर्तन है। क्या बात है। प्रणाम करता हूं भीलवाड़ा को, और ये संकीर्तन की निरंतरता बन जाए तो साधना है, और साधना निरंतरता बन जाए तो सिद्धि है, और सिद्धि मिल गई तो इस जिंदगी की सार्थकता है। पूरी दुनिया में ऐसा अद्भुत कोई दूसरा नाम नहीं है, जिस नाम की महिमा मैं आपके बीच में गाने जा रहा हूं। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस दो अक्षर के नाम की, चार वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है, मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है, तीन लोक और दशम दिशाएं महिमा सारे वर्णों में, अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में, प्रभु ने कैसे की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे बात मुझे बतलानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे बात मुझे बतलानी है। प्रश्न खड़ा है, दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी? प्रश्न खड़ा है, दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी? मेरे प्रश्नों के साथ जुड़िएगा। प्रश्न खड़ा है, दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी? प्रश्न खड़ा है, शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी? इसलिए खाए थे कि हम अपने ही किसी भाई को अस्पृश्य माने, छुआछूत माने, मतलब माफ कीजिए हम साहब, हमने राम को अगर माना है तो हमें राम की भी माननी पड़ेगी, क्योंकि राम जी कहते हैं जाति भेदो न ग्राहो स्यानम नयम भिन्नता। मैं किसी भी प्रकार के जातिवाद को अस्वीकार करता। प्रश्न खड़ा है, शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी? प्रश्न खड़ा है, मुझे ये विश्वास है कि भीलवाड़ा जो बड़े लोग बैठे हैं, एक एक व्यक्ति बड़े बड़े मंचों पर कुर्सियों पर बैठने वाले लोग सामने बैठे हैं, मुझे इस बात की आपके आपके गौरव गरिमा का मुझे पूरा ज्ञान है। इसके बाद इसलिए आनंदित होकर के मुझे पता है कि मैं जहां कविता पढ़ रहा हूं वहां पर इस कविता को बहुत अच्छे से सुना जाएगा, इस विश्वास के साथ पढ़ रहा हूं। प्रश्न खड़ा है, शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी? प्रश्न खड़ा है, सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने? प्रश्न खड़ा है, सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने? चित्रकूट से दंडक वनपथ क्यों अपनाया राम ने? चित्रकूट में पूरा वनवास कट सकता था, एक भगवा उपस्थिति है। चित्रकूट से दंडक वनपथ क्यों अपनाया राम ने? उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने? अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने? अवध की माटी को संग लेकर, इन प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे तो राम जी समझ में आएंगे। प्रभु, अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने? प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। प्रभु ने आकर, मात्र शक्ति के चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहा हूं, प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। त्रेता में हुए राम जी, इसके बाद संसार के सारे रिश्ते जिस दर्पण में देखे गए उस दर्पण का नाम है राम। पुत्र कैसा? राम जैसा। मित्र कैसा? राम जैसा। सेवक कैसा? राम जैसा। स्वामी कैसा? राम जैसा। भक्त कैसा? राम जैसा। भगवान कैसा?
राम जैसा, पिता कैसा राम जैसा, पति कैसा राम जैसा, और किसी ने रावण के कान में जाकर के पूछ लिया शत्रु कैसा। वाह वाह, प्रणाम करता हूं भीलवाड़ा को। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया, जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था? राम जन्म के हेतु तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। बाबा तुलसी कहते हैं राम जन्म के हेतु अने का परम विचित्र एक न एका, नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा, हरि अवतार हे तुझे होई इदमत्थम कोई जान न सोई। हजारों रामायणें लिखी गई, हजारों कारण बताए गए। इस सुधीर श्रोताओं के मध्य एक कारण पर उंगली रख करके आपका आशीष पाना चाहता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया, जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यम लोग उन्हें पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था? पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। हिरण्यकश्यप को मारना था, एक मिनट में खम्भे से प्रकट हुए प्रभु, मारा और चले गए। पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे, पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था। अगली पंक्ति पर मुझे इससे आगे कविता पढ़नी है कि नहीं, ये तय करेगा कि पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना। थोड़ा सा बजाकर बताए कि क्या पंक्ति पढ़ दी गई। वाह। फ्रेंड्स, हम ये बाहर आ चुके हैं फेस्टिवल से। यहाँ पे राम मंदिर बना हुआ है, बहुत सुंदर। और ये जो कि हमारा राम मंदिर बनेगा, सेम ऐसे ही बनेगा, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे हैं कुछ लोग, उनसे बात करते हैं और इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो सर, हाँ जी सर, नमस्कार। ये भगवान राम, नमस्कार सर। सर, नाम जानना चाहूँगी पहले। देखो, ये भगवान राम का मंदिर बना है और ये ऐसे ही अयोध्या में मंदिर बनाया जा रहा है। अच्छा जी। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसके लिए वहाँ से अक्षत भी आना है, घर घर हम अक्षत भी पहुँचाएंगे और इसके बाद में दिया भी पहुँचाएंगे, क्योंकि दूसरी दिवाली मनाई जाएगी हमारी। अच्छा जी। अभी दिवाली मना लिया, तारीख को बताया, एक दिवाली हमारी मनाई जाएगी 22 जनवरी को। 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन है। जी जी। और उस दिन जो है फिर दिवाली मना रहे हैं। मनाई जाए। हाँ जी, हाँ जी। अभी हम घर घर अक्षत पहुँचाने काम करेंगे इसके बाद में। हाँ जी। अच्छा जी। और ये भगवान सूर्य भगवान का ये है जो रथ है, जो अभी छठी मैया का पूजा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, छठ पूजा और ये 22 जनवरी को। 22 जनवरी को हम दिवाली फिर मनाएंगे, पूरी दिवाली मनाएंगे जी। तो फ्रेंड्स, ये सब बहुत बड़ी जानकारी है और आप सब लोग 22 जनवरी को जाओ, जो भी इस वीडियो का व्यूवर है, जो भी इसको देखेगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, तो अपने घर में आप बोल दीजिए सर क्या करना है 22 जनवरी को। 22 जनवरी को अपने घर में दिए जलाएं और एक दिवाली की तरह त्यौहार मनाएं, हर अपनी गली में हर जगह दिए जलाएं और रोशनी फैलाएं, और जैसे दिवाली बनती है वैसे दिवाली मनाएं। राम जी का एक बार पुनः आगमन जो है अपने मंदिर में, 500 साल के बाद में हमारा ये मंदिर बन रहा है जी। 500 साल बाद का जो इंतजार है, 22 जनवरी को हमारा खत्म हो रहा है और जिस दिन की हम दोबारा दिवाली मनाने जा रहे हैं, तो मैं सबसे आग्रह करूंगी कि आप लोग 22 जनवरी को सारे एक बार फिर से इस राम मंदिर में, जिसमें कि हमारे राम भगवान जी प्रवेश करेंगे, दिवाली मनाई जाए और दोबारा से सारे दिए जलाए जाएंगे। अब एक बार नहीं, दिवाली दो बार मनाई जाएगी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी हमें, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज आपने ब्लॉग्स के मजे लिए होंगे, क्योंकि श्री राम जी भगवान जी की कविता दोस्तों बहुत अच्छी थी और बहन ने मेरी वो भी अच्छा जानकारी दी दोस्तों उसके अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं आज के ब्लॉग को यहाँ दोस्तों अब समाप्त करता हूँ, और अगर आपको मेरे ब्लॉग से अच्छे लगे हैं तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और फिर कल मिलते हैं आपसे एक नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर आपसे कल। ओके बाय फ्रेंड्स, ओके बाय।